हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आज एग्जांपल नंबर 7.15 जो कि मोहर सर्किल की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे कि स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट मशीन कंपोनेंट 150 मेगापास्कल एंड 50 मेगापास्कल एंगल 55 डिग्री जो दे रखा है इन्होंने यहाँ पे विद द एक्सिस ऑफ द मेजर टेंशन स्ट्रेस, यानी कि इस एक्सिस से बना हुआ है, इसको मेजर टेंशन स्ट्रेसेस बोलते हैं अपन। इस एक्सिस से आपका एंगल बना हुआ है 55 डिग्री। प्रश्न बोला है कि आपको ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और उन्होंने बोला है कि रिजल्टेंट स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस आपको बतानी है। तो कभी भी जब अपन मोहर सर्किल की बात करते हैं तो अपन को दो कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज दैट मैं इसको एक ए पॉइंट मान लेता हूं और इसको एक बी पॉइंट मान लेता हूं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि इस पॉइंट पे मेरी दो स्ट्रेसेस लगी होनी चाहिए थी, या तो एक यहाँ पे टेंशन स्ट्रेस लगी है वो तो ठीक है, और एक शियर स्ट्रेसेस और होनी चाहिए थी। अगर वो नहीं है तो आप उसको जीरो काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट निकलेंगे, दो पॉइंट सिग्मा और टाउ की टर्म्स में। सिग्मा और टाउ की टर्म्स में जब अपन पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिला पहला 150.0। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी वाले केस पे, सेम यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मिला मेरे को 50.0। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस है नहीं है, तो इसलिए मैंने एक एक्सिस मानी। एक्सिस क्या मानी मैंने, यहाँ से ये स्ट्रेसेस की एक्सेस ले रही ओरिजिन से। आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको यहाँ से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया इस एक्सिस पे, क्योंकि ये एक्सिस है मेरी एक्स, मैं एक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाई। तो जो मेरा पहला पॉइंट आता है वो है मेरा 150.0। तो 150.0 का मतलब है कि मैं इस पॉइंट से यहाँ से चल के जाऊं और मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल गया 150.0। सिंपल है। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि जो बी पॉइंट है वो कहाँ पे मिलेगा 50.0, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, तो ये मेरे को पॉइंट मिला, ये बी पॉइंट हो गया मेरे तरीके से 50.0। तो अब मुझे एक प्लेन पे दो पॉइंट मिल चुके हैं, यानी कि पेरी फेरी में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो मुझे पता है कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 100 थी और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 150 है, तो ये मुझे पता है कि बीच की वैल्यू हो जाएगी मेरी 100 हो जाएगी। तो लाइक द डायामीटर इज 100, अगर मैं बोलूं सर्किल का डायामीटर इज 100, तो जो रेडियस होगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 100/2, यानी कि 50। तो जो रेडियस है वो आप इस सेंटर को मान के यहां से आप रेडियस ले सकते हो। तो ये जो पॉइंट शो कर रहे हैं अपन, ये इसको टाउ मैक्स बोलेंगे। तो टाउ मैक्स की इस केस में आ गई आपकी 50 मेगापास्कल। तो ये मेरी पहली चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई होगी इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि उन्होंने पूछा था कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, तो 50 मेगापास्कल हो गई। अब बात करते हैं अपन प्रिंसिपल स्ट्रेस की, यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेस वाला प्लेन है यानी कि एक्स प्लेन है, उस पे आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है। तो जितनी आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस है वो है आपकी 150, तो वो आ गई आपकी 150 मेगापास्कल। और मिनिमम स्ट्रेस कितनी है आपकी, वो है आपकी 50, तो वो मेरी कितनी आ गई 50 मेगापास्कल। तो मेरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी निकल गई। अब उन्होंने बोला इस केस में कि मुझे एंगल दिया था 55, तो मुझे आपकी नॉर्मल स्ट्रेस भी निकालनी है, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी निकालनी है, रिजल्टेंट स्ट्रेस भी निकालनी है। तो मुझे अब क्या करना है, मैं ऐसे इसको थोड़ा क्लीन करता हूं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये प्लेन था और यहां से लेके यहां तक था, तो ये दो मेरे पास पॉइंट थे, सेंटर मुझे मिल चुका था। क्योंकि ये मैं इसको बोलता हूँ आपका जो प्लेन है ये 2D प्लेन है, इसको मुझे सर्किल में रिप्रेजेंट करना है, तो एंगल मेरा यहाँ थीटा था। तो जब भी अपन नॉर्मल स्ट्रेसेस के फॉर्मूले देखते हैं उसमें 2θ होता है, तो 2θ होगा तो ये हो जाएगा आपका 110, यानी कि 110 बोल सकते हैं, 110 हो गया। तो मैंने इसको एक्सिस पे 110 एंगल बनाया और इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से मिलाया, तो मेरे को एक पी पॉइंट मिला जो कि आपको दिखाई दे रहा है। पी पॉइंट से मैंने एक नॉर्मल डाला नीचे, ये नॉर्मल आ गया, नॉर्मल सीधे सीधे सिंपल तरीके से, और इसको मैंने ओरिजिन से सिंपल तरीके से मिला दिया। तो अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दो स्ट्रेसेस दिखाई देंगी, एक स्ट्रेस दिखाई देगी आपको सी क्यू, और एक स्ट्रेस दिखाई देगी आपको ये, और एक स्ट्रेस दिखाई देगी आपको ये। तो यहाँ पे आपको जो दो स्ट्रेसेस दिखाई देंगे, जो दो स्ट्रेसेस की वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप उसको ओ से लेके क्यू तक लेके आएंगे तो ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपकी रिजल्टेंट स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। आप फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, आप इसको कह के आपके पास स्केल होंगे, उन स्केल्स के थ्रू आप स्केल मान के इसको बना सकते हैं सिंपल तरीके से। तो बहुत सिंपल है, आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये थी प्रॉब्लम। अगर आपको इसका आंसर निकालना है एग्जैक्टली
तो आप फॉर्मूले का भी यूज कर लीजिए। तो फॉर्मूला आपको पता है कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे ऊपर दे रखी है 150 और 50, तो उसका आप यूज करके निकाल सकते हैं, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सिग्मा एन इज इक्वल सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई टू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, टाउ वाला कंपोनेंट जीरो है क्योंकि इसमें टाउ दिया नहीं है। टेंजेंशियली की बात करेंगे तो सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई टू होगा और ये हो जाएगा मेरा साइन टू थीटा। तो सिंपल है, आप जैसे भी देखेंगे 150 में से आपका कितना जाएगा 50, तो 100 ही आएगा 50, और 50 के अंदर होगी साइन 110 की वैल्यू। तो साइन की 90 से प्लस वैल्यू होती है तो थोड़ी कम होती है 1 से, तो आप देख रहे हैं 50 से थोड़ा कम आएगा। तो ये टाउ एक्स की वैल्यू 50 है, तो ये 50 से थोड़ी कम आएगी। नीचे अपन वैल्यू देख लेते हैं, आंसर दिया होगा उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है आंसर, जो कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए हमें 50 जो मैंने आपको बताया टाउ एक्स की वैल्यू आ रही कितनी आ रही है आपकी 50 आ रही है। रिजल्टेंट की वैल्यू बात करें तो मैंने बोला कि टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है 50 से थोड़ी सी कम आ रही है, क्योंकि आपके फॉर्मूला के अंदर जब मैं वैल्यू लगा रहा था कितनी निकल के आ रही थी आपकी, सिग्मा टेंजेंशियल इज इक्वल सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। तो कितना था 150 माइनस 50 50 साइन 110, तो आप लगा के देखना 47 ही आएगी। उसी तरीके से मैं अगर निकालू तो मेरे को नॉर्मल भी मिल जाएगी, और इसका रिजल्टेंट निकालना है तो ये आपका फॉर्मूला आपको बताया नॉर्मल का स्क्वायर प्लस के टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो सिंपल प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।